नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग हमेशा की तरह बहुत चंगे बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर के आई हूँ। हुआ ये कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, मैंने उनके लिए पाव भाजी बनाई, पोहा सुबह नाश्ते में मंगाया था और दोपहर में सब्जी बनाई। तीनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच गईं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनका क्या करूं। फिर सडनली मेरे दिमाग में आया कि इससे एक बहुत अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता बनाया जाए। तो दोस्तों, नाश्ता तो हम बनाते हैं, आगे चल के अभी बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो भी सब्जी, दाल, पोहा या रोटी या ब्रेड आपके घर में बच गई है, उस सब को सबसे पहले मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल लीजिएगा। और इसमें फिर मैंने क्या सोचा कि इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाया जाए, तो मैंने थोड़े से सोया चंक्स को उबलते पानी में डाल दिया, उसके बाद उनको स्क्वीज कर लिया और उनको भी इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा दही और इसका बढ़िया सा पेस्ट बना करके मैं यहाँ पर ले आई हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। इसके बाद हमने इसमें डालनी है सूजी। सूजी कितनी डालनी है? जितनी की कंसिस्टेंसी के बराबर हो जाए, क्योंकि देखिए मैंने जो तीन तीन चीज़ें मिलाई हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, आपके पास जो चीज़ें होंगी वो कम हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऐसे में अगर हम चीज़ों को फेंकते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पैसों की बर्बादी होती है, और दूसरे ये है कि ये चीज़ें फीकी फीकी घूमती हैं, उसका कोई मतलब नहीं। खाना कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो मैंने पहले सूजी मिलाई थी, मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली लग रही थी तो मैंने थोड़ी सूजी और ऐड कर ली है। सूजी को हमें इसमें मिलाकर बहुत अच्छे से चलाल मिक्स कर लेना है प्रॉपरली, और उसके बाद में मिक्सी का ही जो ग्राइंडिंग जार था उसी को मैं हल्का सा पानी डालकर ले आई हूँ और वापस से यहाँ पर डाल दिया है। तो ये देखिए, इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी का हमको चाहिए बैटर। ये नाश्ता इतना अच्छा बनेगा ना दोस्तों, आप एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी, हुआ ये कि उसमें कलछा उसमें नीचे ही रह गया था, तो मैं सोची उसको पूरा अच्छे से करके ऊपर ले देती हूँ। तो मैंने उसको किया, फिर ढक के रख दीजिए इसको लगभग 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल जाए। उसके बाद जो भी सब्जियां आपके पास हैं, मेरे पास आज की डेट में गाजर, थोड़ी सी लौकी और कटी हरी मिर्च और धनिया ही थी, मैंने वही ली है। लेकिन हाँ, इसमें आप लौकी और गाजर ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप इसमें बीन्स ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं, ये सब्जियां आप बहुत आराम से, स्प्रिंग अनियन यूज कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक, ज़रूरी बेसिक मसाले डालने हैं, बहुत ज़्यादा मसाला मत डालिएगा वरना इसका जो हेल्दी कंटेंट है ना वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, अगर आप तीखा खाते हो तो आप इसमें नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमको फिर से इसको अच्छे से चला देना। आप खुद ही सोचिए कितना हेल्दी नाश्ता बन रहा है कि हमने इसमें सोया चंक्स डाले हैं, लौकी डाली है, गाजर डाली है, और वो भी बिल्कुल बेकार की चीज़ों से, कोई हमने एक्स्ट्रा इसमें खर्चा नहीं किया है। वो तीन चीज़ें जो मेरे मेहमान आए थे मैंने उनके लिए मंगाई, थोड़ी थोड़ी सभी हमारे घर में रोज़ ही चीज़ें बची जाती हैं, कितना भी नाप कर बनाओ यार, खाना बचना तो नॉर्मल सी बात है। तो ये खाना बच जाता है, तो मैं मोस्टली कोशिश ये करती हूँ कि ये खाने को मुझे फेंकने ना पड़े, मैं इस खाने से कुछ ना कुछ रीयूज कर लूँ खाने का। तो उससे क्या है कि हमारा नाश्ता भी बन जाता है और चीज़ें हमको फेंकनी भी नहीं पड़ती हैं। तो आज उसी रीयूज के प्रोसेस में मैंने ये नाश्ता बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा बना था। तो एक बार बनाना तो बनता है, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना भी बनता है दोस्तों, और साथ के साथ में अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। कोई भी दाल, कोई भी सब्जी, चावल जैसे कई बार बच जाते, तीनों को लीजिए, मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालिए, दही में डाल दीजिए थोड़ा सा, सोया चंक्स तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप डाल सकते हैं, नहीं मर्जी है आप मत डालिए, जैसे आप चाहें। इसके बाद में हमने इसमें डाल दिया है इनो। इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा, और इस तरह से फेंट कर कंसिस्टेंसी तैयार हो गई। अब लीजिए एक पैन, और पैन में डालिए थोड़ा सा तिली, थोड़ा सा राई दाना और करी लीव्स। इससे ना बहुत अच्छा खाने में जो क्रंच आता है ना, बहुत अच्छा आता है, आप देखिएगा। और ये इतना हेल्दी और इतना क्रंची बढ़िया नाश्ता बनता है कि आप को मतलब इसको अगर खा लेंगे ना, आप रात के डिनर में भी बनाएंगे ना तो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा मोटा मोटा इसको फैला देना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है,
लगभग आप मान के चलिए कि आधा इंच के आसपास होना चाहिए, आधे से भी कम। इस तरह से हमने इसको फैला दिया है दोस्तों, और फैलाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। अगर आप इंडक्शन पर पका रहे हैं तो आपको लगभग 600 के आसपास रखना है टेम्परेचर, और गैस पर है तो गैस को जो है आप एकदम लो फ्लेम पर कर दीजिएगा, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको ढक कर पकाएंगे। ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट के बाद मैंने जब खोला है ना, थोड़ा सा कलछी से पलट कर देखा था तो बिल्कुल बढ़िया से आ रहा था। ये प्लेट जो मैं लेकर के आई ना वो छोटी पड़ गई, तो मैं दूसरी प्लेट लेकर के आई हूँ। और अब इसको हमको इस तरह से पलट लेना है, फ्लिप कर लिया हमने इसको, और अब हम इसे वापस से उसी अपने पैन में डाल देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी हमारा जो ये नाश्ता है वो बहुत अच्छे से सिक जाए। कुछ कुछ ना आप इसको कह सकते हो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट चीज़ों से हमने एक बहुत बढ़िया सा हांडवो तैयार कर लिया है। तो अब हमने फिर से थोड़ा सा ऑयल डाला और ढक दिया है। 7-8 मिनट के बाद हमने फिर से इसको पलटा तो पूरा हमारा नाश्ता बन करके रेडी हो चुका था। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं उधर दूसरा बनाऊंगी, तब तक मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। इस तरह से काटिएगा, ये अभी मेरे से ठीक से कट नहीं पा रहा है इससे, तो मैं पिज्ज़ा कटर लेकर के आई हूँ और अब पिज्ज़ा कटर से बहुत बढ़िया तरीके से कट रहा है। ये देखिए पिज्ज़ा कटर से इसको काटिए बिल्कुल पिज्ज़ा के स्टाइल में, और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब इसे आप बोलोगे हम खाएंगे कैसे, आप इसे टोमेटो सॉस से खाइए, हरी चटनी से खाइए, इमली की लाल चटनी से खाइए, जिससे आपका मन करे खाइए। और तो और अगर आप इसको खाली भी चाय से खाएंगे ना तो भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने बनाया और आपको पसंद आया, कोई भी दाल, कोई भी सब्जी, रायता, कुछ भी हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कोशिश, बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं।